पता नहीं ये बात मैं कितने वीडियोस में और बोलूंगा कि भाई इस सीजन में मजा आ रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से ऑनगोइंग एनिमे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इतना मजा पहली बार मुझे आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एनिमे से, जिसका नाम है जर्नी थ्रू अनदर वर्ल्ड, और ये इसेकाई जॉनर का एनिमे है। और ये स्टोरी ताकुमी की लाइफ की है। जब ताकुमी अपने आप को किसी अजीब जगह से पाता है, वो कुछ मोमेंट के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसको गॉड ने एक्सीडेंटली किल कर दिया है और उसे उस वर्ल्ड में दोबारा नहीं रिबॉर्न कर सकते, तो इसलिए उसको अनदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, और जहाँ पर इसके लिए गॉड ने कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा था। तो वही एज यूजुअल गॉड इसको स्पेशल पावर देते हैं। फिर ये अपने आप को अनदर वर्ल्ड के एक डेंजरस फॉरेस्ट में पाता है, जहाँ पर इसे 2 बच्चे मिलते हैं, और ताकुमी उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उन बच्चों के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, और फिर धीरे धीरे उन बच्चों से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। और अभी तक मैंने इस एनिमे के 2-3 एपिसोड देखे, जो कि काफी अच्छा है। मुझे तो ये एनिमे काफी एंटरटेनिंग लगा। इसकी स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा बवाल नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं है। तो आगे की एपिसोड में देखेंगे कि ताकुमी अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करेगा। और वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर इसकी तरह मैं मिर्ची खा के चैनल को सब्सक्राइब करने की भीख मांगो तब करोगे, तो कर लो यार। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एनिमे का, जिसका नाम है हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। और ये स्टोरी को बातों की है जिसको थोड़ा बहुत डिडक्शन का एक्सपीरियंस है, जो एक ऑर्डिनरी और पीसफुल लाइफ जीना चाहता है अपनी हाई स्कूल में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जिसमें कुबातों को इन्वॉल्व होना पड़ता था, और इसको अपनी ऑर्डिनरी लाइफ के लिए काफी ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ता है। और अभी तक मैंने इसके 2 एपिसोड देखे हैं, और देखने के बाद मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि इस एनिमे को बिल्कुल मत देखो, क्योंकि इसकी स्टोरी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, और जब तुम इस एनिमे को देखो तुम खुद समझ जाओगे कि ये कितना ज्यादा बोरिंग है, या फिर हो सकता है ये एनिमे मुझे ही अच्छा ना लग रहा हो। अगर तुम में से किसी ने इस एनिमे को ट्राई किया तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा तुम्हें। बाकी मेरी तरफ से तो ना है, मैं इस एनिमे को नहीं देख सकता और ना ही रिकमेंड करूंगा देखने को। और थर्ड एनिमे रोमांटिक कॉमेडी जॉनर का एनिमे है, जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, जिसकी स्टोरी आलिया की है, जिसको अपने क्लासमेट कुजे पे क्रश होता है, और पूरे क्लास में ये सिर्फ कुजे से ही बात करती है और ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं है इसका। और जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आलिया कुजे के लिए अपनी फीलिंग रशियन में एक्सप्रेस करती है ताकि उसको समझ में ना आए, और अपनी एम्बैरेसमेंट की वजह से डायरेक्टली नहीं बोल पाती थी। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट ये था कि कुजे को रशियन समझ में आती थी, और ये बात आलिया को पता ही नहीं था। इससे इन दोनों का कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा फनी होता है, क्योंकि सब कुछ समझ आने के बाद भी डम रिएक्ट करना अपने आप में बहुत ज्यादा फनी है। और इस एनिमे का स्टार्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि इस एनिमे को आगे ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। अगर करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर का एनिमे तो देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।